10 साल के बाद एक महिला को उसका पति मिला। अनोखे प्यार की अनोखी कहानी। जब आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप यकीन मानिए, इस पत्नी ने अपने पति का 10 साल इंतजार किया और किस अवस्था में उसको उसका पति मिला ये आप जानकर भी हैरान हो जाएंगे। इस पत्नी के पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था, यानी ये पति पत्नी जो है वो इकट्ठे एक दूसरे के साथ रहते थे, लेकिन अचानक से मानसिक संतुलन बिगड़ गया। आप भी जानते होंगे कि इसका मेंटल हेल्थ जो है वो ठीक नहीं रहने लगी और पति जो है वो बार बार घर से भाग जाया करता था। हालांकि मोहल्ले में अगर भाग कर कहीं जाए तो मोहल्ले वालों को पता है कि इस घर का शख्स उसे लौटा देते हैं, घर वाले उसे ढूंढने चले जाते हैं। लेकिन 10 साल पहले ये ऐसा अपने घर से गया कि कभी वापस ही नहीं आया। पत्नी ने अपने पति को खोजने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, गहने बेच दिए, घर का सामान बेच दिया, लेकिन पति ना मिला। लेकिन आपको बता दें कि पत्नी के लिए अपना पति एक भगवान है, और जिस दिन उसे अपना पति मिला उसने कहा कि जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा, जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन और मेरे भगवान जो है वो मुझे मिल गए। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि 10 साल पहले से इनके पति का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। घर से बार बार भाग कर जाया करते थे लेकिन पत्नी ढूंढ के ले आया करती थी। एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि पति घर से भाग गए और दोबारा वापस ही नहीं आए। पत्नी ने लेह लद्दाख तक ढूंढा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया की रहने वाली लेह और लद्दाख तक गई अपने पति को ढूंढने के लिए। पुलिस स्टेशन गई, पुलिस लाइन गई, हर एक तरफ से उसे नाराजगी हासिल हुई, उसे उसका पति नहीं मिला। यानी कि जिस तरह से बात करते अपने भगवान को ढूंढने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन इस पत्नी को अपने भगवान नहीं मिले। आगे की कहानी ये कहती है कि पत्नी 10 साल से भगवान के आगे प्रार्थना कर रही थी कि मुझे मेरे पति मिल जाए, लेकिन उन्हें उनके पति जो है वो नहीं मिले। और एक दिन अचानक से वो हॉस्पिटल जा रही थी तो उसे उसके पत्नी जो है पति भीख मांगते हुए मिल गया, रोड फुटपाथ पे किनारे। और आपको बता दें कि पहले पत्नी को यकीन नहीं हुआ कि ये मेरा पति है। उसने रिक्शा वाले को कहा, जरा भैया रिक्शा रोकिए। उसने रिक्शा रोका, जब पत्नी उसके सामने गई तब भी उसे लगा कि शायद मेरा वहम है, ये मेरा पति नहीं हो सकता। लेकिन आपको बता दें कि पत्नी उसके पास बैठ गई और तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा कि पिंक कलर की शॉल ओढ़ रही है। देखिए लोग भिखारियों से कितनी नफरत करते हैं। इस महिला ने घृणा नहीं की क्योंकि इसे खोजना था ये मेरा पति है या नहीं। ये उसके पास चली गई और उसने उसकी ऊपर गर्दन की और देखा, उसकी आंखों में उसे उसके भगवान मिल गए, उसे उसका पति मिल गया। और देखिए पहले पिंक कलर की शॉल देती है, उसके बाद में उनके मुंह पर जो बाल है उन्हें साफ करती है, उनकी धूल साफ करती है और लिपट कर रोती है। जब तक शॉल देती है तब भी रोती है और कहते हुए आपको सुनाई दे रहा होगा कि पत्नी को भगवान मिल गए हैं। हालांकि ऊपर वाले ने इस कहानी को इतना खूबसूरत से लिखा हुआ है कि देखिए जिस पत्नी को उसके पति की चाह थी उस पत्नी को उसका पति मिल गया। इसका नाम जो है वो जानकी देवी है और ये उत्तर प्रदेश के बलिया की कहानी है। इसका नाम, ये जो इनके पति हैं जो भिखारी के रूप में आप देख रहे हैं इन्हें मिले हैं, इनका नाम है मोती चंद्र वर्मा और 21 साल पहले इनकी शादी हुई थी। आपको बता दें कि 21 साल में दोनों 11 साल ही साथ में रहे, लेकिन जैसे ही 11वां साल शुरू हुआ इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और ये घर से जो है वो भाग गए और घर से भागकर कभी नहीं मिले। आगे जानकी देवी जो बताती है वो सुनिए। वो कहती है कि मैं अस्पताल जा रही थी, यानी जब इनको मिले ये हॉस्पिटल जा रही थी तो ई रिक्शा वाले को कहा कि रोकिए और वाकई में इनके पति निकले। लेकिन आपको पता है जानकी देवी क्या बताती है, कहती हैं कि सब कुछ बेच दिया लेकिन मुझे मेरे पति नहीं मिले। और 10 साल बाद जब पति जो है वो अचानक से उनसे मिले और निगाहों से निगाहें टकराई, नजरों से नजरें मिली तो दिल ने कहा कि यही तुम्हारा पति है। अब आप देखिए कि ये महिला अपने पति को घर लेकर गई है, उनकी शेव करवाई, सब कुछ करवाया, लेकिन आपको बता दें कि पत्नी कह रही है कि मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, ये मेरे भगवान है, इनके साथ रहना मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है, मैं इनसे प्यार करती हूँ। मैं, ये कोई मेरे घर पर पड़ा हुआ कोई चीज या कोई टुकड़ा नहीं है कि इनके दिमाग की स्थिति ठीक नहीं है तो मैं इन्हें कहीं भी भेज दो। ये मेरे पति हैं, ये मेरे परमेश्वर हैं, ये मेरे भगवान हैं, चाहे ये ठीक भी ना हो तो ये मेरे साथ ही रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया की अनोखी कहानी है। जानकी देवी के पति उन्हें मिल गए 10 साल बाद में। अनोखे प्यार की अनोखी कहानी। ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से इस कहानी को लिखा था कि 10 साल के बाद में एक पत्नी को उसका पति मिल गया और हाँ भिखारी की हालत में मिला था, भीख मांगने वाले, जिस तरह से आपने रोड साइड देखे हैं। इसने बिल्कुल नफरत नहीं की। रिक्शा वाला आगे चला गया था, उसे कहा कि भैया थोड़ा पीछे ले जाइए, लगता है कि कोई खोया हुआ मिल गया, जो रिक्शा ड्राइवर बता रहा है। और आपको बता दें कि वाकई में वो इनके पति ही थे। इस पति और पत्नी की अनोखी कहानी के लिए आप क्या कहेंगे? और ये एक वायरल वीडियो है, इतना खूबसूरत है ये वीडियो। और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जम्मू लटन न्यूज चैनल पर अक्सर हम आपको वायरल वीडियोस दिखाते हैं। इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू लटन न्यूज। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना ना भूलें।